ला कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी से हमने मुलाकात किया है और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड की बजाय इंडियन सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड पहले से बहुत डिस्प्यूटेड हो चुका है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हो चुकी हैं, और हमारे देश में इंडियन पिनल कोड है, इंडियन एजुकेशन कोड है, इंडियन टैक्स कोड है, इसलिए अगर इंडियन सिविल कोड बनाएंगे तो कोई इस पर डिस्प्यूट नहीं करेगा। इसका नाम रखिए आप इंडियन सिविल कोड यानी भारतीय नागरिक संहिता। भारतीय दंड संहिता तो पहले से ही चल रही है, जिसको हम आईपीसी कहते हैं, इंडियन पिनल कोड कहते हैं। और इस इंडियन सिविल कोड में हमने 10 चैप्टर सजेस्ट किए हैं। चैप्टर नंबर 1, एज ऑफ मैरिज, कि शादी विवाह की जो मिनिमम एज हो वो कितनी होगी और जो भी होगी वो सबके लिए होगी। अगर 18 साल रखना है तो हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई के लिए, महिला हो या पुरुष, बेटा हो या बेटी, सबके लिए 18 साल ही होना चाहिए, किसी की 9 साल नहीं होना चाहिए। सबकी अगर 20 साल रखना है, 19 साल रखना है या 21 साल रखना है, हमने ये नहीं बताया कहा कि कितने साल होना चाहिए, हमने केवल इतना कहा है आप 18 रखिए, 20 रखिए या 21 रखिए, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में एज ऑफ मैरिज को आप डिफाइन करिए। और वो सबसे सबकी ओपिनियन आई रही है, चूंकि सब लोग अपना अपना सुझाव देख ही रहे, लेकिन जो कुछ भी एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए वो सबके लिए हो, एक समान होनी चाहिए। दूसरा हमने कहा इसमें आप चैप्टर नंबर 2 प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन रखिए। शादी हुई उसके तुरंत बाद शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए, और वो शादी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो भी सबके लिए एक समान होना चाहिए। तीसरा हमने रिक्वेस्ट किया है, अगर शादी वाजिब सफल नहीं हो रही है, शादी अगर टूट रही है, तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स ये सबके लिए एक समान होना चाहिए। इसलिए आईसीसी में इंडियन सिविल कोड का जो तीसरा चैप्टर आप रखिए, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एंड प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स। भाई ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया ये आज भी चल रहे हैं, एक तरफा होते हैं, एसएमएस के जरिए हो रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए हो रहे हैं, ईमेल के जरिए हो रहे हैं, कुरियर के जरिए हो रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के जरिए हो रहे हैं, चिट्ठी भेज के, ये बंद होना चाहिए। भारत की परंपरा बिल्कुल अलग है, भारत में तो नारी तो नारायणी कहते हैं, भारत में गृहिणी कहते हैं, गृहिणी मतलब जिसका पूरा गृह ऋणी हो उसको गृहिणी कहते हैं। तो इसलिए ये जो भारतीय दंड संहिता है ये भारत की संस्कृति के अनुरूप बनना चाहिए, भारत की हमारी जो पद्धति है उसके अनुरूप बनना चाहिए। तो इसलिए तीसरा इसमें चैप्टर रखिए आप, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एंड प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स। जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स हो, अगर बाजपन के आधार पर डिवोर्स होना है, कोड होने पर डिवोर्स होना है, नपुंसकता के आधार पर डिवोर्स हो सकता है, जो भी ग्राउंड्स हो वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई के लिए। और जो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स हो वो भी सबके लिए कॉमन होना चाहिए, अगर पहले म्यूचुअल आपस में सहमति बनाना है वो भी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, कोर्ट के जरिए उसके बाद कोर्ट में जाना है वो भी एक जैसा होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए सबके एक लिए। चौथा इसमें हमने सजेस्ट किया है ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस। चैप्टर नंबर 4, ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस। इस चैप्टर में आप ये बताइए कि किस किस ग्राउंड के आधार पर मेंटेनेंस मिलेगा, गुजारा भत्ता मिलेगा, और ये भी केवल महिला के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी होना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया कि महिला अपने आप डिवोर्स लेती है, पुरुष नहीं चाहता, महिला खुद लेना चाहती है। अगर खुद लेना चाह रही है और वो सक्षम है, पुरुष बेचारा गरीब है, हस्बैंड गरीब है, उसको भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए, वो किसके भरोसे रहेगा। तो ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस और प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस कॉमन होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सबके लिए लागू होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5, इसमें हमने सजेस्ट किया है ग्राउंड्स ऑफ एडॉप्शन एंड प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन। किस किस ग्राउंड के आधार पे आप बच्चा गोद ले सकते हैं और प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, आपको एडॉप्ट करते समय क्या क्या प्रक्रिया अपनानी है, तो ये भी हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सबके लिए बराबर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 6, हमने गार्जियनशिप कहा है कि बच्चे के भरण पोषण का अधिकार, बच्चे की देखभाल का अधिकार, ये माता को भी होना चाहिए, पिता को भी होना चाहिए, और ये सबके लिए, सब पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम्स के लिए अलग, पारसी के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग। ग्राउंड्स ऑफ गार्जियनशिप और प्रोसीजर ऑफ गार्जियनशिप ये भी जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। चैप्टर 7 हमने इसमें सजेस्ट किया है
सक्सेशन, और चैप्टर 8 सजेस्ट किया है इनहेरिटेंस, यानी विरासत का अधिकार और वसीयत का अधिकार, ये भी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। विरासत करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर ऑफ सक्सेशन है, प्रोसीजर ऑफ इनहेरिटेंस है, ये भी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इक्वल राइट होना चाहिए, बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलना चाहिए, और वो हिंदू को भी मिलना चाहिए, मुस्लिम्स को भी मिलना चाहिए, पारसी को भी मिलना चाहिए, ईसाई को भी मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। चैप्टर 9 हमने इसमें सजेस्ट किया है पॉपुलेशन कंट्रोल। भारत की 50% से ज़्यादा समस्याओं का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, इसलिए हम दो हमारे दो, यह है चैप्टर नंबर 9। एक पति और एक पत्नी और सबके दो बच्चे, दो से ज्यादा बच्चा नहीं, इसमें हमने सजेस्ट किया कि चैप्टर 9 होना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। और चैप्टर 10 हमने सजेस्ट किया है पेरेंट्स केयर। भाई पति पत्नी का विवाद तो हो गया, पति पत्नी का अधिकार भी डिफाइन हो गए, लेकिन पता चला कि पेरेंट्स का क्या होगा। आज की डेट में पति पत्नी तो आराम से तलाक भी ले लिए, अलग भी हो गए, रह भी रहे हैं, बच्चों का भी सब मामला सेटल हो गया, बच्चों को कितनी मेंटेनेंस मिलेगी वो भी डिफाइन हो गया, लेकिन इसमें बेचारा सबसे ज्यादा परेशान कौन है? बूढ़े माँ बाप। बूढ़े माँ बाप के लिए कोई कहीं पे कानून में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अवश्य होना चाहिए आपके इंडियन सिविल कोड में, वो हमने यह चैप्टर नंबर 10 पेरेंट्स केयर। अगर पति पत्नी अलग हो रहे हैं तो बाकी तो ऊपर हमने बता ही दिया, वो सब डिफाइन हो गया, लेकिन अगर पति पत्नी अलग हो रहे हैं तो माता पिता की देखभाल कौन करेगा, कैसे करेगा, उनको कितना उनको गुजारा बहुत मेंटेनेंस मिलेगा, उनके उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा, ये होना चाहिए चैप्टर नंबर 10। ये हमने अपनी तरफ से सजेस्ट किया है। आपको लगता है इस 10 चैप्टर के अलावा कुछ और भी बन सकता है तो आप भी सजेस्ट करिए। एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ, इन UCC में ये सब नहीं आ सकता, पॉपुलेशन कंट्रोल UCC में नहीं आ सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ UCC नहीं ICC बनाइए। पेरेंट्स केयर भी UCC में नहीं आ सकता, इसलिए हमने कहा है ICC बनाइए, इंडियन सिविल कोड। और इंडियन सिविल कोड का हमने 10 चैप्टर बनाया है, चैप्टर नंबर 8 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर नंबर 2 प्रोसीजर ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 3 ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर नंबर 4 ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस, चैप्टर नंबर 5 ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर ऑफ एडॉप्शन, चैप्टर नंबर 6 ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर ऑफ गार्जियनशिप, चैप्टर नंबर 7 ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर ऑफ सक्सेशन, चैप्टर नंबर 8 ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 9 पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो सबके दो, चैप्टर नंबर 10 पेरेंट्स केयर माता पिता की देखभाल। ये मैंने अपनी तरफ से सजेस्ट किया है। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सांसद को भेजिए, अपने विधायक को भेजिए, अगर आप किसी जज को जानते हैं तो इस वीडियो को अपने जो जज अगर आपके मित्र हैं जानने वाले हैं उनको भेजिए, आप अगर किसी IAS IPS को जो लोग सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, DM कलेक्टर हैं उनको जानते हैं उनको भेजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस पर वाइड सर्कुलेशन होगा, जितना ज़्यादा इस पर आम सहमति बनेगी, मुझे लगता है सरकार के लिए लागू करना उतना आसान हो जाएगा। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 23 नवंबर 1948 को आर्टिकल 44 संविधान में आ गया था, दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर काम नहीं हुआ। अब चूंकि ला कमीशन काम कर रहा है तो इस पर जितना ज़्यादा ला कमीशन को अपनी तरफ से फीडबैक जाएगा उतना अच्छा है, जितना सांसद इस पर बोलेंगे, विधायक बोलेंगे, मंत्री बोलेंगे उतना अच्छा है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करिएगा।